हाय एवरीवन, कैसे हो? न्यू वीडियो में फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा क्या है 2x2 की टाइल्स और कितना जो नीचे जो मसाला हम लगाते हैं कितने तरीके का मसाला होना चाहिए और कितना किस तरीके का मसाला होता है और किस तरीके नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे पत्थर लगाते हैं इस तरीके से अब तो टाइल्स लगती हैं। पहले लगाते थे जैसे फर्श पे, जैसे कच्चा फर्श बनाते हैं इस तरीके से उसको प्लास्टर करना है, प्लास्टर करके उस पर झाड़ू मार के जब उस पर टाइल्स लगती थी घोर में डाल के घोल डाल के उसमें टाइल्स लगती थी। अब तो अब नहीं लगती हैं क्योंकि वो काम ख़त्म हो चुके हैं। अब तो जैसे पत्थर लगता है इस तरीके से टाइल्स लगती हैं पर उसमें एक कमी रह जाती है। पत्थर जैसे टाइल्स लगाते हैं उसमें कमी क्या रहती है? कमी इसमें ये रहती है कि वो सब जो मसाला नीचे लगाते हैं उसमें पानी डाल के नहीं लगाते हैं क्योंकि उसको थोड़ा सा नेक छीटा मारते हैं पानी को और उसको बुरादा जैसे लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है नीचे जो मसाला होता है वो मिनिमम उसको उसको क्या है कैल्शियम पानी नहीं मिल पाता है तो उसमें सेट नहीं हो पाता है। उसका वो जो बुरा सा ऐसा बुरादा सा उसको नीचे रखा रह जाता है तो इसकी वजह से उसको नेक थोड़ा सा अगर गीला मसाला लगाएंगे तो उसमें सेटिंग उसकी अच्छी आएगी नीचे बन गई क्योंकि उसकी फिटिंग भी अच्छी आएगी और वो सेट भी अच्छा होगा नीचे। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे बुरादा जैसे मसाला डालते हैं तो उसमें क्या होता है नीचे नीचे तक जो पानी नमी जो होती है घोल की जो क्या वो नीचे पहुंच नहीं पाती है। ऊपर जो घोल होता है वो क्या गाढ़ा होता है, वो गाढ़ा जो होता है तो ऊपर ही ऊपर जो आप घोल डालोगे तो वो ऊपर ही टिक जाता है तो नीचे उसकी नमी नहीं पहुँच पाती है तो नीचे मसाला सूखा रह जाता है। तो हमारा ये देख रहे हैं हमारे इस तरीके के मसाला चला रहे हैं क्यों इसमें को नीचे जो इसमें टाइम तो लगेगा जो गीला मसाला हमारे टाइल्स लगाएंगे उसमें टाइम बहुत लगेगा पर आपकी जो नीचे फिटिंग और मजबूती बहुत टॉप की आएगी, इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। क्यों इस तरीके से आप टाइल्स लगाएंगे तो आपके फर्श में बहुत मजबूती रहेगी क्यों वो बुरादा सा आपने देखा होगा कि जहाँ से टाइल टूट जाती है वो बैठ जाता है एक तक उसमें। यही वजह होती है क्योंकि नीचे जो मसाला मजबूत नहीं होती है और उसके अंदर गैपिंग होती है टाइल के अंदर तो टूट जाता है तो वो नीचे एकदम टूटते समय एकदम टाइल का टुकड़ा नीचे बैठ जाता है क्योंकि वो नीचे जो मसाला होता है नीचे धस जाता है। तो आपको गीला वैसे तो आप मेहनत तो पड़ेगी आपको अगर गीला मसाला लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें सरसों बहुत मजबूती बनेगी ठीक है। और मैं फिनिशिंग की बात करूँ तो इसमें हमारी जो हम टाइल्स लगा रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं किस तरह की फिनिशिंग है। और आपको फिनिशिंग वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी लेटेस्ट वीडियो हम बिल्डिंग के बारे में सारी चीज़ें लाते रहते हैं बताते रहते हैं। तो आप भी देख रहे हैं सूखा सीमेंट क्यों डाल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादातर मसाला है और क्योंकि इसमें अगर घोल डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हमारा जो टाइल्स है वो एकदम पानी सा छोड़ेगी तो इसके वजह से सूखा सीमेंट डाल के उसमें हल्का सा घोल डाल के कटर लगा के उसमें हम टाइल्स रख देंगे तो इसमें क्या है आराम से टाइल्स हमारी बैठ जाएगी और फिर इसमें फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। आप देख रहे हैं किस तरीके की से हम टाइल्स लगा रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पैंट नहीं पहन रखा क्योंकि हमारा बरसात का बहुत मौसम बाहर बहुत ख़राब है क्योंकि इसमें क्यों बरसात बहुत लगातार हो रही है तो इसकी वजह से हम भीज गए थे कहीं गए थे तो इसकी जगह बैठ बता दिया है क्यों भीजने में अच्छा नहीं लगता। तो आप देख रहे हैं किस तरीके के मसाले चला रहे हैं हम कितना गीला मसाला इसके अंदर जो टाइल्स के अंदर निकला है टाइल्स हमारी फिक्स लग लिए नीचे बैठी हुई क्योंकि मसाला इसमें एक्यूरेट बिछा हुआ है तो उसमें सूखा सीमेंट डाल के हम उसमें टेक सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से आपको टाइल्स लगा सकते हैं और जो आप मेरी बात माने तो उसमें सूखा मसाला नहीं लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा नमी मसाला लगाएं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं हम अगली वीडियो में।